सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी सिनेमैटिक आइडियाज़। और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने किट लेंस को यूज़ करके कैसे अपनी वीडियोस के अंदर अमेजिंग बैकग्राउंड ब्लर क्रिएट कर सकते हैं। तो सब कुछ आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ, प्रॉपर कैमरा सेटिंग्स भी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो फाइनली आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किट लेंस के साथ हम कैसे अमेजिंग बैकग्राउंड ब्लर क्रिएट कर सकते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। तो एज अ बिगनर जब हम वीडियोस को बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास इतना बजट नहीं होता कि हम फटाफट से प्राइम लेंस अफोर्ड कर पाएं। तो हम सोचते हैं यार कि किट लेंस तो बेकार का लेंस है, वैसे ये काफ़ी बदनाम होता है कि यार किट लेंस है, इसकी क्या मतलब क्वालिटी होगी, बेकार वीडियो बनाता होगा। तो ऐसा नहीं है, हर लेंस का अपना एक रोल होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ फ्लावर्स दिख रहे होंगे, ठीक है। अब मैं इस फ्लावर को फोकस में लूँगा, ठीक है, और जो पीछे का जो इन्वायरमेंट है उसको मैं ब्लर कर दूंगा, ठीक है। अब प्राइम लेंस में क्या होता है कि हमने प्राइम लेंस को फिट करा, जस्ट हमने शूट करना स्टार्ट करा और उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो ऑटोमेटिक फोकस करके और हमें ज़्यादा आगे पीछे जूम नहीं करना पड़ता। पर किट लेंस जो हमारा होता है वो जूम लेंस भी होता है, तो हम इसे जूम लेंस भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपने अपने सब्जेक्ट को, आपका मॉडल है, प्रोडक्ट वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, सिनेमैटिक वीडियो बना रहे हैं, तो आपने अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रखना है अपने जूम रिंग की मदद से, ठीक है। सो सबसे पहले मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेरे पास एक फ्लावर है। अब आप सपोज करिए अगर आप सिनेमैटिक वीडियो शूट करें, म्यूज़िक वीडियो शूट करें, जहाँ पे आपको एक ही चीज़ को हाईलाइट मतलब शो करना है, उसी के ऊपर आपने फोकस करना है, तो आप कैसे करेंगे? अगर आपके पास एक किट लेंस है, बिकॉज किट लेंस में हमारे पास फीचर नहीं होता कि हम उसके अपर्चर वैल्यू को कम कर सकें। अब जैसा कि 50mm लेंस में क्या होता है कि हम उसके अपर्चर वैल्यू को 1.8 तक लेके जा सकते हैं, 1.4 तक भी लेके जा सकते हैं। पर इस किट लेंस में, अब जैसा कि मेरे पास किट लेंस है सोनी का 16-50mm का, ठीक है, अब इसमें मुझे ऑप्शन है कि 3.5 से लेके f.6 तक, मीन्स कि f.5.6 तक मैं इसका अपर्चर वैल्यू लेके जा सकता हूँ, ठीक है। पर यहाँ पे ही वो दिक्कत होती है कि हमें अमेजिंग बैकग्राउंड ब्लर देखने को नहीं मिलता। तो सिंपली आपने क्या करना, अब ठीक है, आपने इसके ऊपर फोकस करना है, जस्ट आपने अपना जूम इंक्रीज करना है, ठीक है। जैसे आप अपना जूम इंक्रीज करेंगे तो आपका एक पर्टिकुलर एरिया पे, मीन्स की सब्जेक्ट के ऊपर फोकस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात होगी हमारे फोकस के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपने जो मोड यूज़ करना है वो करना ऑटोमेटिक ऑटो फोकस, बिकॉज अगर आप बिगनर हैं तो आपको डायरेक्टली स्विच नहीं करना चाहिए मैनुअल मोड के ऊपर, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, आप बोलेंगे कि यार समझ नहीं आ रहा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारी बात होगी फोकसिंग की, ठीक है। तो उसके बाद बात आती है हमारी कैमरा सेटिंग्स की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। अब लाइक की सपोज करें कि अगर आप मैनुअल मोड पर डायरेक्टली शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है, अगर आप बिगनर हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपने एक मोड सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले आपने वीडियो में जाना है, ठीक है। वीडियो में जाने के बाद आपने सेलेक्ट करना है अपर्चर प्रायोरिटी मोड, ठीक है। इट मींस कि आपका कंट्रोल आपके अपर्चर के ऊपर होगा और बाकी जो भी कंट्रोल होगा, शटर स्पीड, वो खुद डिसाइड करेगा कैमरा अपने आप। तो आपको कोई भी बर्डन नहीं होगा कि मैंने हर चीज़ को खुद एडजस्ट करना है। तो एज अ बिगनर ये बेस्ट मोड है अगर आप अपनी वीडियोस के अंदर शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, मींस कि बैकग्राउंड ब्लर लाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने अपर्चर प्रायोरिटी मोड को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अब आप अपने ISO को खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फिक्स ही रखना है या ऑटोमेटिक रखना है, अपना ISO आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं, कि आपको लाइट कितनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब मैं सिंपली, ठीक है, यहाँ से मैंने वीडियो मोड को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। वीडियो मोड को सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने जो वाइट बैलेंस रखा है यहाँ पे, ठीक है, वो मैंने रखा हुआ है डे लाइट, ठीक है। सो चलिए अब इसको फोकस में लेते हैं, ठीक है। और जो मेरी कैमरा सेटिंग्स है, मैंने इसको वीडियो मोड पे डाल दिया। अब अपर्चर प्रायोरिटी मोड का मैंने यूज़ करा हुआ है, ISO मेरा ऑटोमेटिक डिसाइड करेगा कैमरा खुद ही, और जो मेरा फोकस है वो है कंटिन्यूस ऑटो फोकस, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको जो यहाँ पे फ्लावर्स दिख रहे हैं, ठीक है, अब जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मॉडल के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, प्रोडक्ट फोटो मतलब कि वीडियो के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं सिंपली यहाँ से इसको जूम करता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको जूम करना स्टार्ट करूँगा तो मैंने जूम करना है जूम रिंग से, ठीक है। मेरे पास सोनी में यहाँ पे जूम बटन है, अगर आपके पास कैनन है, निकॉन है, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे जूम रिंग दिखेगा, ठीक है। आपने जस्ट उसको इंक्रीज़ करने के लिए कुछ इस तरीके से करना है और आपका जूम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब आप यहाँ से जूम करना स्टार्ट करेंगे तो अब आप देख रहे होंगे कि जैसा मैं जूम कर रहा हूँ तो वीडियो में
बैक साइड पे कितना ज़्यादा ब्लर हमें देखने को मिल रहा है। जस्ट हमारे पास जो है पिंकिश सा फ्लावर है, हमें सिर्फ यही फोकस में मिल रहा है, ठीक है। तो आप वीडियो की शार्पनेस भी देख रहे हैं कि कितनी क्लियर आ रही है। उसके बाद आपको एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ जो हम मोस्टली मिस्टेक्स करते हैं। हम जस्ट अपना किट लेंस ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद हम क्या करते हैं कि बिल्कुल साथ में चिपका देते हैं अपने मॉडल के जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, प्रोडक्ट होता है, और फिर हम जूम उतने लेवल पर नहीं करते और हमारी वीडियोज़ के अंदर शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड जिसे हम कहते हैं बुके इफेक्ट नहीं आता। हमने क्या करना है, हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो बैकग्राउंड से बहुत दूर होगा, ठीक है। ये एक कह लीजिए कि रूल भी है, ठीक है। तो दूर होना चाहिए हमारा सब्जेक्ट हमारे बैकग्राउंड से, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे जो पिंकिश सा फ्लावर है वो बैकग्राउंड से कितना दूर है, ठीक है। अब आपको जो बिंदियाँ जो मतलब कि बिल्कुल बैकग्राउंड ब्लर जो दिख रहा है वो इसी वजह से दिख रहा है बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड है इससे बहुत दूर है, ठीक है। अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ठीक है, तो मैंने इसको जूम आउट कर दिया है। अब आप देख रहे हैं कि वीडियो कितनी ज़्यादा बकवास लग रही है, इसकी कॉन्ट्रास्ट और जो इसका वाइट बैलेंस है बिल्कुल बिगड़ चुका है बिकॉज हमारा जो कैमरा है वो शटर स्पीड खुद डिसाइड कर रहा है। अपर्चर वैल्यू हमने खुद डिसाइड की है बस शटर स्पीड वो खुद डिसाइड कर रहा है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपने जूम करना है कि आपकी वीडियोज़ के अंदर डलनेस तो नहीं आ रही, कि ब्राइटनेस ओवर तो नहीं हो रही, तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। तो इसी वजह से मैंने आपको अपर्चर प्रायोरिटी मोड पर स्विच करने को कहा है। जस्ट आपने क्या करना है, अब जूम करना है। जैसे ही आप जूम करेंगे, ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक मेरा जो कैमरा है उसने पिंकिश फ्लावर को फोकस में ले लिया है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड हमें कितना ज़्यादा ब्लरी मिल रहा है। तो आप इस चीज़ को अमेजिंग तरीके से भी कर सकते हैं, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक किट लेंस है तो आप वीडियोस नहीं बना सकते। हर लेंस का अपना एक रोल होता है और हम उसको कैसे यूज़ करते हैं ये हमारे ऊपर होता है। तो होप मैंने आज आपको जो भी बताया आपको पसंद आया होगा। सो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया कि आप अपने किट लेंस की मदद से अमेजिंग बैकग्राउंड ब्लर क्रिएट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास प्राइम लेंस आएगा तभी मैं वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करूँगा। तो आपको जो मैंने सेटिंग्स बताई हैं उसको अप्लाई कीजिए और आपकी वीडियोज़ के अंदर बैकग्राउंड ब्लर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।